देश में अब ऑक्सीजन की आपूर्ति का मोर्चा सेना के विमानों ने संभाल लिया है। झारखंड के बोकारो और गुजरात के जामनगर से सेना के C-17 मालवाहक विमान ऑक्सीजन के टैंकर एयरलिफ्ट करेंगे। इस शेड्यूल के मुताबिक आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सेना ऑक्सीजन लाएगी। 25 अप्रैल को 2 छोटे टैंकर लाए जाएंगे। आपको बता दें 25 अप्रैल को भी 2 छोटे टैंकर ग्वालियर जाएंगे। 26 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल पहुंचेगा। 27 अप्रैल को भी एक टैंकर भोपाल आएगा। तो ये अलग अलग तारीखें जब मध्य प्रदेश में सेना ऑक्सीजन लेकर आएगी। और अब मोर्चा मध्य प्रदेश में सेना ने संभाल लिया है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की थी कि अब वो प्रदेश में मोर्चा संभालने, स्थितियां जिस तरह से अनियंत्रित होती जा रही हैं। तो ये शेड्यूल है, 24 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल और एक इंदौर जाएगा, वहीं 25 अप्रैल को एक टैंकर भोपाल और एक इंदौर जाएगा। अलग अलग तारीखों में ये टैंकर प्रदेश में पहुंचेंगे, राजधानी भोपाल और इंदौर पहुंचेंगे, ताकि कोरोना की स्थिति से निपटा जा सके। और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब रांची के भोपाल के बीच एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी, जो ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे गिर रहा है और अब 23% पर आ गया है। उन्होंने कहा कि बिना रिफाइनरी के ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल से रांची चले, जिसमें हम टैंकरों से रेल मार्ग से ऑक्सीजन लेके आ पाए। उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और उसका पूरा प्लान तैयार हो रहा है, कब ट्रेन जाएगी, आएगी, टैंकर किस साइज के होंगे, उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया है। यद्यपि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें कर रहा है, क्या और अधिक ऑक्सीजन वहां से ली जा सकती है, बनाई जा सकती है। मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी। इस बढ़ती हुई दर को थामने में हम सफल हुए हैं। अब ये धीरे धीरे घटने लगी है, लगभग 23% करीब पॉजिटिविटी रेट रही। बिना रिफाइनरी में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके हम मरीजों का इलाज करने के लिए 1000 बिस्तर का अस्पताल आगा सौद बिना रिफाइनरी में ही बना।